जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, कल मैंने वीडियो डाला था जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का, रिपीटर कैंडिडेट का और फ्रेश कैंडिडेट का, जो जून 2023 में एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट आ चुका है। इसमें भी जो लड़के फेल हो गए हैं, या तो जीपी रेटिंग में फेल हुए हैं या सीसीएमसी कोर्स में फेल हुए हैं, तो उनको अब रिपीटर का फॉर्म फिलअप करना है। तो वो फॉर्म फिलअप कैसे करना है और उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फी कितना लगेगा और एग्जाम आपको कहाँ जाकर देना है, इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर यही जानेंगे। दोस्तों, आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप 2 लाख या 2.5 लाख रुपए या 1,80,000 रुपये लगाकर पढ़ाई करते हो और मन लगाकर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो गए ही है। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आपको मेरे YouTube चैनल पर MEK GSK का ओरल प्रैक्टिकल ऑनलाइन सारा चीज़ लेक्चर पड़ा हुआ है, जाकर आप देखिए, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा तो आपको कुछ हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर वो भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे वीडियो का हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, टाइम निकाल कर मैं आपको कभी ना कभी रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, जीपी रेटिंग और सीसीएमसी रिपीटर कैंडिडेट जो सितंबर इसी 2023 में ही सितंबर में एग्जाम होगा उसका, तो उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसके साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने गूगल के क्रोम ब्राउजर में आ गया हूँ और सर्च इंजन में जाकर आपको जनरली टाइप कर देना है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट। टाइप करना है आपको दोस्तों बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट। देखिए देखिए, ये आ गया बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट। ठीक है, इस वाले आइकन पर आपको क्या कर देना है, तो जनरली आपको इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर आपको वेट करना है, क्रोम ब्राउज़र में ऑटोमेटिक लेके जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक आपको नोटिस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोटिस दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस फॉर जीपी एंड सीसीएमसी रिपीटर कैंडिडेट सेप्टेम्बर 2023 एग्जामिनेशन। यानी जो लड़के अभी 16 तारीख को जो रिज़ल्ट आया है जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का, उसमें फेल हो गए हैं, जो फेल हुए हैं उनके लिए ये फॉर्म आया है कि फिर से फॉर्म फिलअप करके फिर से अपना एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम जो होगा वो आपका सितंबर में होगा। सितंबर में है तो लास्ट सितंबर में भी अक्टूबर जा सकता है, लेकिन लास्ट सितंबर तक चांस है कि एग्ज़ाम आपका हो जाए। तो इस वाले आइकन पर हमको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो एक क्लिक कर दिया हम, ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए, ठीक है, क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है और जो इसका नोटिस है, इस नोटिस को क्या कर देना है, क्लिक करके इस नोटिस को पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। उसके बाद फॉर्म भी कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये नोटिस ओपन हो गया, इसको PDF फॉर्म में हम खोल देते हैं। खोलने के बाद चलिए हम आपको पहले नोटिस पढ़ के सुनाते हैं। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सी पेरेट ट्रस्ट नवी मुंबई एग्जामिनेशन नोटिस जीपी रेटिंग और सीसीएमसी रिपीटर कैंडिडेट, ये 16 तारीख को आया हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट कब तक है सब मैं बताऊंगा। लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सी फेयर ट्रस्ट विल बी होल्डिंग द एग्जामिनेशन इन सितंबर 2023 में एग्जाम अपना कंडक्ट कराएंगे। द रिपीटर कैंडिडेट एट इट्स एग्जामिनेशन सेंटर विल रिपीटर मुंबई चेन्नई कोलकाता। याद रखिएगा, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो तीन ही जगह पड़ेगा, मुंबई चेन्नई और कोलकाता। अब बहुत लड़के बार बार यही पूछेंगे कि भैया हमारा कॉलेज कोलकाता में था और हम लोग रहते हैं मुंबई में, तो क्या अब की बार हम अपना एग्ज़ाम मुंबई भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कॉलेज मुंबई में था लेकिन आपका घर कोलकाता में है, मैंने आपका नज़दीक कोलकाता पड़ता है, तो आप कोलकाता में सेंटर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि आपका कॉलेज कहीं भी हो, आप कहीं भी एडमिशन के लिए, आप कहीं भी रिपीटर फॉर्म के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए भर सकते हैं। जो आपके नज़दीक हो आप भर लीजिएगा। ठीक है, कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैं समझाऊँगा। नंबर दो, विड्रॉ द अटेंशंस ऑफ जीपी रेटिंग कैंडिडेट फॉर DGSE ट्रेनिंग गाइडेंस नंबर, उतना ये सब दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि आप जो रिपीटर का एग्ज़ाम है ओनली 7 बार दे सकते हैं। कितना बार दे सकते हैं? 7 बार। एक बार फ्रेश का दे सकते हैं और 7 अटैम्प्ट रिपीटर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, 7 बार यानी एक बार फ्रेशर आप कहलाएंगे और जब 2nd बार देंगे तो आप रिपीटर 1 कहलाएंगे। यानी समझ में आया, आप 1 नंबर रिपीटर का एग्ज़ाम दिए हैं, यानी टोटल 8 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं।
नंबर 3, इनवेट कंप्लीट द एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल जीपी एंड सीसीएमसी रिपीटर कैंडिडेट अपेयर द एग्जाम सेंटर शेड्यूल टेंटेटिव इन सितंबर 2023। बोले नहीं, टेंटेटिव डेट दिया हुआ है कि आपका एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव 2023 में सितंबर महीना में कराने की संभावना, ठीक है। नंबर 4 बोल रहा है कि द कैंडिडेट अप्लाई द एग्जामिनेशन मस्ट यूज ओनली BES रिपीटर एप्लीकेशन फ्रॉम दिस फॉर्म इज RE71। जो RE71 जो फॉर्म है वो GP रेटिंग के लिए, और उसमें डेट लिखा होगा 24/4/2023। और जो RE16A है वो CCMC के लिए, उसमें भी डेट लिखा होगा 24/20/2023। अब लड़के बोलेंगे कि भाई ये तो चल रहा है 8वां महीना और यहाँ पर लिख रहा है 4था महीना, तो प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन्होंने बोल दिया है कि यही वाला फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। कैंडिडेट में भी डाउनलोड द रिस्पेक्टेड फॉर्म, टेक ए प्रिंट आउट एंड फिल द डिटेल। इसका प्रिंट आउट निकालना है और इसको फॉर्म को फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। नंबर 5, द कैंडिडेट मस्ट नोट द GP एंड CCMC पासिंग आउट सर्टिफिकेट विल बी इशू ऑन द सबमिशन ऑफ STCW कोर सर्टिफिकेट। बोल रहा है कि इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा हमको पढ़ लीजिए। द कैंडिडेट मस्ट नोट द GP एंड CCMC पास आउट सर्टिफिकेट विल बी इशूड ओनली द सबमिशन ऑफ STCW सर्टिफिकेट। देखिए कहने का मतलब है कि आपको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास STCW सर्टिफिकेट चाहिए। STCW सर्टिफिकेट क्या होता है? तो जो अभी आप अपना वहाँ पर STCW का एग्ज़ाम दे रहे थे ना, तो वही सर्टिफिकेट जो आपको नेट से डाउनलोड करके दिया गया है उसके साथ ये लगाना है। उसमें कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है? PST, EFF, FPFF, PSSR और STCW। और ये जो जितने भी सर्टिफिकेट है, द कैंडिडेट हु हैव कम्प्लीट द मैंडेटरी STCW कोर्स मस्ट सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी द सर्टिफिकेट एलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो पांचों सर्टिफिकेट है, तो पांचों सर्टिफिकेट होता है ना, तो पांचों सर्टिफिकेट में क्या होता है, एक STS और DSD जो सर्टिफिकेट होता है वो एक अकेले होता है, और बाकी ये जो चारों सर्टिफिकेट होते हैं वो एक में होता है। तो आपको मैंडेटरी 2 सर्टिफिकेट मिला होगा, तो दोनों सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, तो सेल्फ स्टेटस यानी अपने से उस पर साइन कर देना है, ठीक है। अब बहुत लड़के ये बोले होंगे कि भाई हम लोग STCW भी पास नहीं कर पाए, वो भी इसमें भी फेल हो गए और GP रेटिंग में भी फेल हो गए, तब क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको STCW पास करना ही पड़ेगा, तभी आप GP रेटिंग का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, तो सारे सर्टिफिकेट इसके साथ साथ आपको सेल्फ अटेस्टेस करने पड़ेंगे STCW का, ठीक है। नंबर 6, ये COVID-19 बोल रहा है कि अपेयर होने समय आप COVID-19 का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। अब बोल रहा है कि द कैंडिडेट सेल्फ पे द एग्जामिनेशन फी बाय द फ्लोइंग द वे। आपको एग्जामिनेशन फी कैसे पेमेंट करना है, तो QR कोड से। भाई आज एप्लीकेशन का ज़माना है, आज UPI का ज़माना है, तो QR कोड से हम लोग क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। देखिए इसमें एक आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ कि UPI मैंने बोला तो बहुत लड़के मेरे को कमेंट करें कि UPI का फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं कितने लड़कों का सही जवाब है UPI का फुल फॉर्म। अ फीस द प्रिस्क्राइब फॉर द ईच पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड द कैंडिडेट अपेयर फ्रॉम द मोर द पार्ट मे बी टोटली, वो मैं आपको समझाऊंगा ये क्या बोल रहा है। उसके बाद देखिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, देखिए क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट सेल सेंड द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द डॉक्यूमेंट एंड कॉपी ऑफ द ट्रांजेक्शन ID टू बी BS आइदर द रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड फॉर इंडियन पोस्टल सिस्टम ओनली द इंडिकेटिंग बिलो। आप एग्ज़ाम फी का QR पेमेंट से पेमेंट कर देंगे ऑनलाइन, उसके साथ साथ आप अपना STCW का सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, और पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट भी है तो पासपोर्ट भी कीजिए, लेकिन इसमें पासपोर्ट का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो कर दीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि भेजना तो है ही है, तो एक पासपोर्ट का जीरस करा के उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इसमें मैंडेटरी है नहीं, लेकिन अगर आप कीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। उसको इस वाले एड्रेस पर क्या कर देना है, फॉर्म फिलअप करके उसको एक लिफाफे में डालकर उसके साथ साथ STCW और मे बी पासपोर्ट अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और उसको इस वाले एड्रेस पर स्पीड पोस्ट कर देना है। क्या कर देना है, स्पीड पोस्ट। देखिए आ ही गया, द कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल पासपोर्ट फॉर अपेयरिंग द एग्जामिनेशन, और जब आपका एडमिट कार्ड
रिलीज़ हो जाएगा, आपका नाम आ जाएगा और आपको जो सेंटर मिलेगा उस सेंटर पर आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना मैंडेटरी है, तभी आपका एग्ज़ाम होगा। विल बी पब्लिश द नेम ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट अलोंग विद द सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन ऑन द वेबसाइट। एडमिट कार्ड विल बी इशू टू द एलिजिबल कैंडिडेट एट द एग्ज़ाम सेंटर। बहुत लड़के अब ये बोलेंगे कि भैया हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है, हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड आपके घर नहीं आएगा, जहां आपने सेंटर डाला है वैसी सेंटर पर आपका एडमिट कार्ड पहुंच जाएगा, ठीक है। और आप वहां पर जाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। नो एडमिट कार्ड विल बी इशू द कैंडिडेट इफ़ द नॉट पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल पासपोर्ट। अगर आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं होगा तो आपका एडमिट कार्ड इशू ही नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट अपने पास रखें, ठीक है। इसको हम कितनी दफ़ा इस पर वीडियो में बना दूंगा। ऑल द कैंडिडेट रिपोर्ट द यूनिफॉर्म। देखिए, अगर आप जा रहे हैं तो अपना यूनिफॉर्म है ना उसको फेंकिए, ओके मत, यूनिफॉर्म पहन के जाइएगा। अगर आपका ओरल और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है तो जो आपको पीपीई मिला होगा, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट में बॉयलर सूट मिला होगा, सेफ्टी गगल मिला होगा, सेफ्टी शू मिला होगा, तो वो आपको पहन के जाना है। अब देखिए, ये जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट दिया हुआ है वो आपका 15 सितंबर है, यानी 15 सितंबर तक आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। 15 सितंबर तक ये फॉर्म जिस एड्रेस पर भेजना था उस एड्रेस पर 15 सितंबर के पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर उसके बाद पहुंचता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फटाफट आज ही मैं वीडियो बना रहा हूं, आज ही आप लोग फॉर्म फिलअप करके स्पीड पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। बोल रहा है कि इनकम्प्लीटेड फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अप्लीकेशन फॉर्म रिसीव फॉल्स इन्फॉर्मेशन विल बी रिजेक्टेड एंड कैन बी पनिशमेंट द प्रेस्क्राइब्ड। बोल रहा है कि अगर अच्छा तरीका से अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन इसमें डालिएगा, गलत गलत इन्फॉर्मेशन डालिएगा तो भाई उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और द कैंडिडेट बीएसपी राइट द फॉलोइंग द टेलीफोन नंबर, इतना इतना इतना, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जनरली मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद देखिए, यहाँ से देखिए, मैं बैक आ जाता हूँ, पूरा बैक आ गया। अब देखिए, यहाँ पर दो सेक्शन है, जीपी और सीसीएमसी। जो मैंने अभी आपको नोटिस पढ़ के बताया वो जीपी और सीसीएमसी दोनों के लिए। तो अगर आप जीपी रेटिंग में फेल हैं तो जीपी वाले पर क्लिक करेंगे, सीसीएमसी में फेल हैं तो सीसीएमसी वाले पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम जीपी में फेल हैं तो जीपी वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। देखिए, जीपी वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जीपी का फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। उसी तरह सीसीएमसी वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सीसीएमसी रिपीटर का फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो भाई हम जीपी वाले हैं तो हम लोग जीपी वाले का देखेंगे, ठीक है। सेम जीपी और सीसीएमसी सेम ही फॉर्म फिलअप करना है, बस थोड़ा सा हेर फेर होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है जीपी रेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इस वाले आइकन पर हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे, हम लोग का फॉर्म क्या हो जाएगा तो खुल जाएगा, ठीक है। वेट कीजिए, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो रहा है, देखिए डाउनलोड होकर आ गया। इसको मैं पीडीएफ फॉर्म में इसको ओपन कर दिया, वेट कीजिए, देखिए हम लोग का फॉर्म खुल के आ गया। इसका क्या करना है तो कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना है। बहुत लड़के ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पर 20/4/2023 लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यही फॉर्म है, इसी फॉर्म को फिलअप करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना है, ध्यान से देखिए। आपको किस में एग्ज़ाम देना है, सेप्टेम्बर में एग्ज़ाम देना है कि दिसंबर में देना है? तो सेप्टेम्बर में देना है तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल अक्षर में SEP, यानी सेप्टेम्बर। 2023 में एग्ज़ाम देना है तो यहाँ पर लिख देंगे 2023, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चूज करना है, आपको मुंबई में एग्ज़ाम देना है कि कोलकाता में एग्ज़ाम देना है कि चेन्नई में एग्ज़ाम देना है? तो अगर आपको मुंबई में देना है तो यहाँ पर MUM लिख देंगे, अगर कोलकाता में देना है तो KOL लिख देंगे, अगर चेन्नई में देना है तो CHE लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिए। नेम एज इन द इंडोर्स नंबर। अब आपको यहाँ पर अपना क्या करना है, नाम लिखना है। तो नाम कैसे लिखना है, तो जो आपका नाम इंडोर्स नंबर में दिया है वो यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। कैंडिडेट कोड नंबर, यहीं पर लड़के दिक्कत हो जाते हैं कि भाई ये कैंडिडेट कोड नंबर कहाँ मिलेगा। तो जब आप जीपी रेटिंग का एग्ज़ाम दिए हैं तो उसके बाद आपका रिजल्ट आया है ना, तो रिजल्ट आने के बाद देखिए जो एक लिस्ट खुला है ना, तो वहाँ पर सबसे पहले ही आपके नाम के सामने लिखा होगा कैंडिडेट कोड, या लिखा होगा कोड नंबर जो जी से शुरू होगा, जो जी से शुरू होगा। कैंडिडेट कोड नंबर जो होता है ना जी से शुरू होता है, तो वही कैंडिडेट कोड नंबर यहाँ पर डाल देना। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आप कितनेवीं दफ़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जब एक बार आप एग्ज़ाम देते हैं तो फ्रेशर होता है, और जब दूसरी बार एग्ज़ाम देते हैं तो वो रिपीटर होता है। तो यहाँ पर मे बी 2 भर दीजिएगा,
और एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन है, लेकिन होना दो ही चाहिए, लेकिन एक बार आप अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्या भरना है, ठीक है। क्योंकि फ्रेशर तो फ्रेशर होता है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट एक अटेम्प्ट में पास करते हैं तो दूसरा का अटेम्प्ट पास करेंगे तो दो ही ना भरेंगे। यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, तो शॉर्ट कट में नाम नहीं लिखना है, पूरा नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, आशा इंटरनेशनल मैरीटाइम एकेडमी से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये लिखना है, या सीएमटी लखनऊ से पढ़ रहे हैं तो सीएमटी लखनऊ नहीं लिखना है, पूरा लिखना है सेंट्रल एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूरा नाम लिखना है, ठीक है। उसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो फोटो चिपकाना है, क्या करना है, फोटो, और फोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, 30x40, और यूनिफॉर्म के साथ, और यूनिफॉर्म में कैप नहीं पहनना है, विदाउट कैप खिंचवाना है, और जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो पूरा प्लेन होना चाहिए। इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, बस प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो साइज होता है वो साइज आपका होना चाहिए 30x40। जो आपको वहाँ पर फोटो खिंचवाया गया था वही फ़ोटो यहाँ पर क्या कर देना है, चिपका देना है, ठीक है। चिपकाने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, तो पेमेंट थ्रू क्यूआर कोड काइंडली द स्कैन द पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि अपना जो यूपीआई है, यानी आपका फ़ोन पे है, गूगल पे है या पेटीएम है, तो उसको क्या करना है, यहाँ पर स्कैन कर देना है, और स्कैन करके पेमेंट करना है। और जब स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद वहाँ पर लिखा होगा व्यू डिटेल, व्यू डिटेल पर क्लिक कीजिएगा तो पूरा ट्रांजेक्शन आई डी वगैरह आपका ओपन हो जाएगा। तो ये सारे अब आपको कितने का इसमें पेमेंट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और पेमेंट का रिसीप्ट भी आपको रखना है, क्योंकि वो भी अटैच करके भेजना है। यहाँ पर बोल दिया है कि कैंडिडेट मस्ट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी STCW सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है उसको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी अपने हाथ से उस पर सिग्नेचर कर देना है। इस वाले आइकन को छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, क्योंकि ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, लिखा हुआ है कि ऑफिस यूज ओनली। अब देखिए यहीं पर आइए, यहीं पर फंडा आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप MEK ऑनलाइन में फेल हैं, तो यहाँ पर आपको MEK ऑनलाइन पर टिक करना है। मान लीजिए कि आप MEK ऑनलाइन और GSK ऑनलाइन में भी फेल हैं, तो आपको MEK पर भी क्लिक करना पड़ेगा और GSK पर भी ऑनलाइन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आप कितने सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो दोस्तों आप कितने सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो GSK ऑनलाइन में फेल हुए हैं और MEK ऑनलाइन में फेल हुए हैं। तो इसका एग्ज़ाम फी 300 रुपया लगेगा और इसका एग्ज़ाम फी 300 लगेगा, तो 300 600, यानी 600 रुपये का आपको स्कैन करके पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आप जितना सब्जेक्ट में फेल होंगे आपको क्या कर देना है, पेमेंट कर देना, और पेमेंट का रिसीप्ट लेके इसके साथ अटैच करना है, उसके साथ साथ भेजना है। मान लीजिए आप MEK ओरल और प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो आपको 550 रुपये, और मान लीजिए कि आप MEK ऑनलाइन में फेल हैं तो 300 रुपये और, यानी 850 रुपये। कहने का मतलब है कि आप जितने सब्जेक्ट में फेल होंगे ना, उतना जोड़ के और टोटल एक ही बार में पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे तो जो रिसीप्ट निकल कर आएगा, उस रिसीप्ट को इसके साथ अटैच करके भेजना है। उसमें UPI या UTR नंबर लिखा होगा, उसको यहाँ पर भर देना है। पेमेंट करेंगे कितना आपने अमाउंट पे किया है, किस डेट में पेमेंट हुआ, वो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस में आप अपना विलेज लिख लेंगे, पोस्ट लिख लेंगे, पुलिस स्टेशन लिख लेंगे, स्टेट लिख लेंगे, पिन कोड नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। क्या करना है, नाम लिख देना है, और यहाँ पर जैसा आपने पासपोर्ट में साइन किया था ना, वैसा ही यहाँ पर आपको क्या कर देना है, तो साइन कर देना है पासपोर्ट की तरह। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर जहाँ आपने ऊपर सेलेक्ट किया था कि आपको कोलकाता मुंबई या चेन्नई देना है, वही यहाँ पर आपको भर देना है। आपने कब को एग्ज़ाम देना है, तो सितंबर में देना था, तो यहाँ पर सितंबर आपको क्या कर देना है, भर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपना इंडोस नंबर पर जो आपका नाम लिखा हुआ है, जो पासपोर्ट में इंडोस नंबर पर सेम ही लिखा होगा, वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 13/5/1997 डाल देना है, ठीक है, 1997, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना इंडोस नंबर डाल देना है जो आपको मिला होगा। उसके बाद कैंडिडेट कोड मैंने आपको बताया, कैंडिडेट कोड कहाँ मिलेगा तो मैंने आपको बता दिया है वीडियो में, वो कैंडिडेट कोड G से शुरू होता है। आपका जो एग्ज़ाम का PDF निकला है ना, उसमें आपका देखिएगा कोड नंबर लिखा होगा, जो G से शुरू होगा वही आपको डाल देना है। इसको ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा,
और यहाँ पर आपको अपना जैसे पासपोर्ट में साइन है वैसा ही आपको साइन कर देना है। और आप कौन कौन से, और आप कौन कौन से सब्जेक्ट में फेल हैं, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं उस सब्जेक्ट पर क्लिक कर देना। जैसे मान लीजिए आप जीएस के ओरल प्रैक्टिकल में फेल हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, एमई के प्रैक्टिकल ओरल में फेल है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, जिसमें आप फेल हैं उस पर क्लिक कर देना है, इसको उसी तरह छोड़ देना है। ठीक है, ये जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो फिलअप होने के बाद आपको इसके साथ साथ STCW का सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड उस पर साइन करके अपना, उसके साथ साथ जो आपने पेमेंट किया है उसका सर्टिफिकेट, वो जो निकल कर आएगा प्रिंट आउट उसका सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पासपोर्ट भी लगा देंगे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया लेकिन आप लगा देंगे तो अच्छा ही रहेगा, उसका तीनों का आपको लगा कर उसको क्या करना है तो इस फॉर्म के साथ अटैच कर कर उसको स्पीड पोस्ट कर देना है, और स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो हो जाएगा। तो यही एक वीडियो थी। दूसरी बात दोस्तों कि अब आप मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई अच्छा से कीजिएगा तभी आप पास हो जाइएगा। क्योंकि आप लोग बहुत बोल रहे थे कि भाई सेटिंग फेटिंग होगा, हेल्प होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होता है। आप पढ़ेंगे तो पास करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं करेंगे, ये कन्फर्म है। तो आप लोग मन लगाकर प्रिपरेशन कीजिए, कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको अच्छा से समझाएँगे, हम आपको गाइडेंस देंगे, लेकिन गाइडेंस का चार्जेबल होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। तो यही एक वीडियो है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।